हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल अबाउट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मुहावरा क्वेश्चन। दोस्तों मुहावरा क्वेश्चन दोस्तों आपका जो हिंदी जो बिहार पुलिस का एग्जाम, ये दोस्तों स्पेशल वीडियो बिहार पुलिस के लिए बनाया गया। जो बिहार पुलिस का दोस्तों एग्जाम होने वाला है, जो बिहार पुलिस का आपको एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को, इसके लिए दोस्तों स्पेशली ये वीडियो बनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपका 10 नंबर का आपको हिंदी दोस्तों आपका पूरा आता है, और 10 नंबर का आपको दोस्तों इंग्लिश आता है, और 10 नंबर का आपका मैथ आता है, और बाकी इधर दोस्तों 30 नंबर का आपका आता है, 35 नंबर का आपका आता है साइंस, और 35 नंबर का आपका आता है जीके। तो 35 75 और 70 30 100, यानी कि पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उसमें दोस्तों 10 नंबर वाला जो 10 नंबर का जो हिंदी आता है, उसमें दोस्तों व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण संबंधित क्वेश्चन तो पहला टॉपिक ले रहे हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ, इससे दोस्तों क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका जो मुहावरा है वो छूटने वाला नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा मेरा जो पहला मुहावरा है वो क्या है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, समय पर धोखा देना। ये दोस्तों यही है, अंगूठा आपको पूछ देगा अंगूठा दिखाना लोकोक्तियों का अर्थ क्या है, समय पर धोखा देना। दूसरा देखिए अंधे की लकड़ी, इसका मुहावरा का अर्थ क्या है, एक ही सहारा। अपना उल्लू सीधा करना के मुहावरे का अर्थ क्या है, अपना काम निकालना। आस्तीन का सांप का मुहावरे का अर्थ है धोखेबाज मित्र, नहीं कहता तू तो आस्तीन का सांप निकला, यानी कि धोखेबाज तूने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, उसके बाद ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर मिलना, क्या बहुत दिनों पर मिलना, नहीं बोलता है, कोई अगर आता है तो कहता कितने दिनों बाद मिले, यानी कि ईद, आज तो ईद का चांद हो गया। उसके बाद खेत आना, यानी कि युद्ध में मारा जाना। ठीक है, उसके बाद गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना, यानी कोई ज़्यादा नहीं बोलता, यानी कि अपने बारे में डिंग हाँकता रहता है। उसके बाद देखो गुस्सा पीना, मतलब कि क्रोध दबा, मतलब वो काफ़ी अंदर से पूरा क्रोधित है लेकिन वो कुछ भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसने गुस्से को पी लिया, उसने बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका मुहावरे का बाहर नहीं जाएगा, मैं उम्मीद आप यकीन मानिए। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका गुदरी का लाल के मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर गुणवान का होना। नहीं कहता है गुदरी का तो उसके घर तो गुदरी का लाल पैदा हुआ, यानी कि गरीब के घर गुणवान का होना। क्योंकि आपने देखा गरीब के घर काफ़ी एकदम गुणवान बच्चे पैदा होते हैं, तो वही होता है गुदरी का लाल। उसके बाद देखिए चार दिन की चांदनी, थोड़े ही दिन का सुख, नहीं कहता चार दिन की चांदनी हमें नहीं चाहिए, मतलब थोड़े दिन की सुख नहीं चाहिए, तो पूरा नहीं तो चाहिए नहीं। ठीक है, उसका देखिए चिराग तले अंधेरा, इसका जो मुहावरे का अर्थ वो है पास ही में बूढ़ा। उसका तूती बोलना, मुहावरे का अर्थ है प्रभाव जमाना। उसके बाद 14 नंबर लट्टू होना के मुहावरे का अर्थ है मोहित होना। ठीक है, आगे देखिए, आगे आका खून खोलना, ये तो सबको पता होगा, खून खोलना के मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गर्म होना। नहीं कहते मेरा तो खून खोल गया उसको देखो, मतलब पूरा एकदम अंदर से क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, यानी गर्म हो गया पूरा वो। उसका देखिए दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत उन्नति करना। नहीं कह रहा मैं तो अब दिन दूनी और रात को चौगुनी कर दूंगा, मतलब कि मैं रात दिन अब तरक्की ही तरक्की करूंगा। ठीक है, तो यही मुहावरे करते हैं इसका। उसका मैदान मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बाजी जीतना, यहाँ पर बाजी जीतना, मैदान को मार दिया उसने, फील्ड खेत को मार दिया, यानी कि बाजी वो जीत गया। लोहा मानना, मतलब श्रेष्ठ समझना। उसके बाद श्री गणेश करना, आरंभ करना, ये तो पता होगा सबको। आगे देखिए सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ मतलब कि सरासर झूठ, मतलब नहीं कहता तू यार इतना सफ़ेद झूठ क्यों बोल रहा है, मतलब सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ सफ़ेद झूठ मुहावरे का। उसके बाद आँखें चार होना, आमने सामने होना, आँखों का काटा होना, शत्रु होना, नहीं कहता मेरे तो वो आँखों का काटा, मेरे को जब मिल जाए तब मैं उसको मारूँ, यानी कि उसका क्या है एनिमी है। एनिमी स्पीस क्या होता है दोस्तों, शत्रु होता है, आँखों का वो मेरा, मेरे आँखों का वो काटा है। ठीक है, देखिए कान लगाना, तो ध्यान देना, नहीं कान लगा के कोई सुनता है कोई भी चीज़, या मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, भी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, आप ध्यान से कान से सुन रहे हैं तो आप क्या ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो वही मुहावरे का अर्थ है कान भरना, यानी कि शिकायत करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी का कान भर रहा है, किसी कान में कह रहा है, मतलब कान भर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। ठीक है, तो वही है ये क्वेश्चन नंबर 25। देखिए नाक पर गुस्सा, जल्दी गुस्से में, नहीं कहता उसके तो नाक पर ही गुस्सा है, उसके नाक पर ही गुस्सा, यानी कि वो जल्दी गुस्से में, तुरंत गुस्से में आ जाता है।
ठीक है वही है, दाल दांत कटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती। आगे देखिए, सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना यानी बिल्कुल पीछे पर, नहीं कह रहा तू तो मेरे सिर पर ही सवार हो यार, कब मेरा कब उसको पीछा छोड़ दिया, यानी कि पीछे वो बिल्कुल उसके पीछे पर गया, यानी कोई भी चीज़ उस ये उससे व्यक्ति लेना चाहता है यानी उससे, इसलिए वो उसके पीछे पर आया, सिर पर चढ़ने चढ़ गया उसके, तो सिर पर सवार होना मुहावरे करता है बिल्कुल पीछे ही पड़ जाना। सिर पीटना पछताना, आँख लड़ाना प्यार करना, गले का हार होना काफ़ी प्यारा होना, उसका देखिए जी चुरना काम से पीछे भागना। अगर देखिए तलवे सहलाना, तलवे सहलाना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, उसके बाद पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है कड़ी मेहनत करना, अकेला चना भार नहीं फूटता, मतलब अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों ये आपका मुहावरा वाला टॉपिक जो है, मुहावरा और लोकोक्तियों वाला टॉपिक आपका क्या होता है खत्म होता है। इससे जो एक क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन आता है वो इसी वीडियो से आएगा, ये मेरे वाला वीडियो से आएगा, नहीं आता फिर मेरे को बोलना दोस्तों, इसी से आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक व्याकरण से पूछता है वो पूछता है आपका दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द, ये भी वीडियो में दोस्तों आपको कल लेके आऊँगा, ये भी वीडियो में आपको कल लेके आऊँगा शुद्ध अशुद्ध वाला, ठीक है शुद्ध अशुद्ध वाला कल वीडियो लेके आऊँगा। फिर आपका व्याकरण से पूछता है दोस्तों संधि, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछता है, संधि क्या होता है ये सब पूछता है, प्रत्यय पूछता है, ये सभी मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दें ताकि जो वीडियो आए आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ गया, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।